हाय गाइस, सबका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Huawei के चार कैमरे वाले डिवाइस की, Huawei Y9 की। ये डिवाइस हमारा 16,000 रुपए का है। इसके साथ आपको ये 3,000 रुपए वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स फ्री मिलते हैं। इनको जो खरीदने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे तो 3,000 के कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे 2,000 रुपए के ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं। पर कुछ भी फ्री में मिल जाए बढ़िया ही रहता है। तो आइए जल्दी से इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा डिवाइस है और हमारे पास इसका ब्लू कलर है और ये भी प्लास्टिक वाला डिवाइस है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है हमारे पास ये डिवाइस। शाइनी सा डिवाइस है लेकिन इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। दूर से देखने में काफी सही लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको अच्छी फील नहीं होगी। मतलब सॉलिडनेस तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 162 mm इसकी हाइट है, 77 mm इसकी विड्थ और 8 mm इसकी थिकनेस। और ये हमारा 172 grams का है। अभी मैंने Honor 10 Lite की भी अनबॉक्सिंग करी थी, वो भी आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही शाइनी सा प्लास्टिक सा है। मतलब क्वालिटी बहुत बेकार लग रही है दोनों ही डिवाइसेस की। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है, Huawei और Honor। पहले हमारे पास Honor 9 Lite आता था, 9N आता था, Huawei का P20 Lite आता था, Nova 3i आता था, 8X आता है। मतलब उन सबके अंदर हमें ग्लास बॉडी मिलती है जो एकदम प्रीमियम फील देती है। मतलब दूर से देखने में पता चलता है कि दो क्या डिवाइस अपने पकड़े हुए हैं। और अब इन्होंने अपनी क्वालिटी को एकदम बेकार कर लिया है, मतलब प्लास्टिक निकालना शुरू कर दिया है। हर कंपनी सोचती है कि हम अपग्रेड करें, पहले प्लास्टिक दे रहे थे, अब ग्लास बॉडी लेकर आते हैं, थोड़ी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ये अपनी क्वालिटी को कम करते जा रहे हैं। और साथ ही ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले जैसे Honor के पास Honor 8X अच्छा खासा चल रहा है, उसके बाद उन्होंने 14,000 रुपए में Honor 10 Lite निकाला जो कि अच्छा फोन नहीं है, मतलब प्लास्टिक वाला फोन है। तो भाई जब आपका ऑलरेडी फोन चल रहा था तो एक और क्यों निकाला। अब इनका जो है Huawei का Huawei Nova 3i बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है होल्ड करने में भी और फीचर्स वाइज भी। उसके अंदर भी आपको चार कैमरा मिलते हैं, दो आगे दो पीछे। मतलब बाकी फीचर्स में भी देखा जाए तो वो काफी बढ़िया डिवाइस है हमारा। वो हमारा 17,000 रुपए का डिवाइस है और ये इन्होंने 16,000 रुपए में निकाला है। अपने आई खुद का कॉम्पिटिशन क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन समझने से बाहर है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। डिवाइस को मैं स्विच ऑन करती हूँ और साथ ही हम बॉक्स की बाकी चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं जब तक ये स्विच ऑन हो रहा है। ये है हमारी इजेक्शन पिन, साथ में ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये है बैक केस। चूंकि आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर काफी सही लग रहा है और आपको जो स्क्रीन गार्ड है वो भी लगा हुआ मिलता है। इसके साथ ये है हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 10 वॉट का चार्जर है और डिवाइस के अंदर आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। वैसे तो बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके साथ ये हमारी माइक्रो यूएसबी केबल, इसके साथ आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते। अब हम जल्दी से इसके साथ जो ईयरफोन्स मिले इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हैं हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स। ये रहे हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमें मैग्नेटिक लॉक मिलता है और ये हमारे स्वेट रेजिस्टेंट है। मतलब हल्का फुल्का स्वेटिंग हो या पानी हो तो आपके ये ख़राब नहीं होंगे। साथ में आपको इसके अंदर 10 mm ड्राइवर मिलता है तो बढ़िया साउंड मिलेगी आपको इसके अंदर और 6 घंटे का टॉक टाइम मिल जाता है। इसके साथ ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये हमें इसका चार्जिंग केबल है और ये है हमारे एक्स्ट्रा ईयरबड्स और साथ में कुछ हमारे डॉक्यूमेंट। अच्छी चीज़ है कंपनी ने कोई चीज़ आपको फ्री दी है साथ में। वैसे तो मुझे लगता है सभी कंपनीज को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही चाहिए। वैसे तो बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स मिलने चाहिए लेकिन बॉक्स में नहीं है तो कंपनी ने एक्स्ट्रा दे दिए। अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के नेक्स्ट हाईलाइट की जो कि है इसका कैमरा। इसके बैक में हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में भी डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। बैक में आपको मिलता है 13+2 MP का कैमरा जिसमें से 13 वाले का अपर्चर है 1.8 और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मोड्स हैं इसके अंदर हमारे पास। इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, लाइटनिंग मोड मिलता है, अपर्चर मिलता है, पैनोरमा शॉट ले सकते हैं आप इससे, टाइम लैप शॉट ले सकते हैं, प्रोफेशनल मोड में मिलता है। तो जो पिक्स हैं वो इतनी बढ़िया नहीं आई हैं, आप देख सकते हैं फोकस इतना अच्छा नहीं ले रहा। एज डिटेक्शन वैसे इसका सही है
साथ में आप देख सकते हैं डिटेलिंग भी इतनी बढ़िया नहीं मिल रही हमें इसके अंदर। बहुत बढ़िया, मतलब ज़्यादा अच्छी पिक्स नहीं आई हैं इसकी, जैसे जिस रेंज में हमें अवेलेबल है। और ये हमारी नाइट मोड की पिक्स है, नाइट मोड में भी हमारा फोकस नहीं अच्छा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पिक्स ओके हैं, अच्छी नहीं है इतनी जितनी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जैसे हमें ऑनर 8X में मिलती है, या नोवा 3i का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त, उस हिसाब से इसका कैमरा इतना बढ़िया नहीं है। और ये है हमारा सेल्फी कैमरा की पिक्स, 16+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको, डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें से 16 वाले का जो अपर्चर है वो 2 है। सेल्फी कैमरा की पिक्स आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आई है, ब्लरिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं, एज डिटेक्शन ब्लरिंग इफेक्ट ठीक है, मतलब पिक्स ओके है, बैक की भी फ्रंट की भी बहुत अलग नहीं आई। मतलब नोवा 3i की तो सेल्फी कैमरा की पिक्स एकदम कमाल की हैं, उस हिसाब से उसके अंदर भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और आपको इसके अंदर स्टिकर्स भी मिलते हैं, तो आप अपनी थोड़ी क्रिएटिव पिक्स भी आराम से ले सकते हैं। कैमरा वाइज देखा जाए तो दोनों कैमरास ओके ओके हैं। अब अगर हम डिवाइस के डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। और हमारे पास इसके अंदर नॉच है, आप देख सकते हैं नॉच डिस्प्ले, इसका ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। अब अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है किरिन 710 का प्रोसेसर, उसके साथ GPU टर्बो, साथ में 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी, और हमारे पास इसके अंदर Android 8 है। इसका मैंने एंटू बेशमा स्कोर निकाल लिया है, जो कि आया है 1,38,000। स्कोर देखा जाए तो इसके जो प्रोसेसर के हिसाब से कम आया है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हम जल्द देखेंगे, मैं इसका गेमिंग रिव्यू कर दूंगी और उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर हीटिंग इशू है या नहीं है, या फिर इसके अंदर हमें बैटरी कंजप्शन हमारा कितना है। जैसे कि 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो बैटरी हमारी कितनी लगती है वो वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगी, TNG गेमिंग पे। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको इस डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं, आइए उनको टेस्ट करें। आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट लॉक काफी फास्टली वर्क कर रहा है। अब फेस अनलॉक को देख लेते हैं। फेस अनलॉक भी हमारा काफी सही है। इसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर प्रॉक्सिमिटी, एम्बेड लाइट सेंसर, कंपास और ग्रेविटी और गायरोस्कोप जैसे सेंसर्स मिलते हैं। साथ में आपको पार्टी मोड मिलता है इसके अंदर, और उसके साथ आपको राइड मोड मिलता है, ताकि राइड करते समय आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप डिस्टर्ब हुए बगैर ड्राइविंग कर सकेंगे। सो गाइस, ये था हमारा हुआवे Y9, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ओके डिवाइस है। एक्चुअल में तो इस डिवाइस को लाने का को कोई फायदा था नहीं, कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ऑनर 8X और नोवा 3i जो हैं हमारे पास, हुआवे नोवा 3i, वो इससे काफ़ी बेटर डिवाइसेज हैं और ऑलरेडी वो चल रहे हैं डिवाइसेज। अगर मुझे खुद ही खरीदना हो तो मैं Y9 की जगह मैं उनमें से किसी एक को परचेज करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर डिवाइसेज हैं, क्वालिटी वाइज भी और वैसे फीचर्स वाइज भी। तो जब मैं ही नहीं लूंगी तो आपको क्या रिकमेंड करूं। फिर भी अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो इसको खरीदने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये इतना बढ़िया नहीं है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।